हेलो फ्रेंड्स, ये है टाटा इंडिगा विस्टा। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है हेडलाइट में। हेडलाइट का जो अपर वाला पॉइंट है सिर्फ वो चालू है, वो डीपर वाला जो पॉइंट है वो बंद है। मीटर पे भी जो लाइट शो हो रही है, अपर वाली लाइट शो हो रही है, अपर वाले दोनों हमारे पॉइंट चालू है और डीपर वाले दोनों पॉइंट बंद है इसके। तो ये अपर वाले पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि दोनों पॉइंट चालू है और डीपर वाले पॉइंट बंद है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करेंगे और इसके अलावा हेडलाइट का सेटिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसमें दो तरह की हेडलाइट होती है, तो उसको कैसे सेट करते हैं उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। इस वाले फ्यूज़ बॉक्स में हमको फ्यूज़ मिलेगा इसका हेडलाइट का, तो यहाँ पर लॉक में बैठा रहता है इस तरीके से, तो ये निकल जाता है। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। हेडलाइट के दो फ्यूज़ आते हैं 15 एम्पियर के, ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, HL लो बीम रिले और HL हाई बीम रिले। ये दोनों हमारे रिले पर जाते हैं, दोनों कनेक्शन यहाँ से फ्यूज़ से, तो ये दोनों हमारे फ्यूज़ है। तो आगे वाला जो फ्यूज़ है वो हमको चेक करना है। तो ये फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ हमारा सही है, फ्यूज़ उड़ जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है, तो फ्यूज़ को उसकी जगह पर वापस लगा देता हूँ मैं। अब इसकी रिले चेक करेंगे। हेडलाइट के बल्ब भी शार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर, ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो हेडलाइट का हमारे बल्ब है ये भी शार्ट हो जाते हैं, ये विस्टा में ये प्रॉब्लम है। और इसकी रिले चेक करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि दोनों पॉइंट बंद है तो हो सकता है इसका बल्ब शार्ट नहीं हो। तो इसमें एक हाई बीम वाली रिले है और एक लो बीम वाली रिले है। ये ऊपर वाली जो हमारी रिले है ये हाई बीम वाली रिले है और ये एक लो बीम वाली रिले है। सबसे आगे वाली जो रिले है वो हमारी हाई बीम वाली है और उसके पीछे जो ब्लू वाली है ये हमारी लो बीम वाली है। तो ये ब्लू वाली रिले हम चेंज करके देखेंगे। तो जो ये रिले है, ये रिले मैंने निकाल ली है लो बीम वाली, और ये दूसरी रिले एक मैं लेकर आया हूँ, ये लगाएंगे। ये जो ब्लू वाली रिले है इसके अंदर शायद कुछ डाइवर्ट वगैरह कुछ टूट गया है, हिलाने पर अंदर से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, तो शायद वो रिले ही ख़राब थी। तो ये चालू करता हूँ मैं हेडलाइट। तो इधर का तो नहीं हुआ बल्ब ऑन, बाकी इधर का हमारा बल्ब ऑन हो गया है, दिख रहा होगा आपको, लो बीम वाला हमारा ऑन हो गया है और इधर वाला जो बल्ब है ये हमारा ऑन नहीं हुआ है। मतलब इधर का या तो होल्डर इसका जल गया होगा या बल्ब शार्ट होगा इसका। तो यहाँ से निकाल के चेक करते हैं, बल्ब कैसे निकालते हैं और कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में भी आगे आपको बताऊँगा मैं कैसे चेंज करते हैं बल्ब को। तो बल्ब को पहले मैं निकाल लेता हूँ, लॉक में बैठा हुआ रहता है बल्ब और आसानी से निकल जाता है बल्ब भी। तो ये इसका बल्ब है, H7 बल्ब बोलते हैं इसे। तो ये बल्ब में जो बीच में आपको स्प्रिंग दिख रही होगी, स्प्रिंग है ही नहीं, स्प्रिंग इसकी टूट गई है, ये बल्ब इसका शार्ट हो गया है। तो ये बल्ब चेंज करना पड़ेगा। नया बल्ब लुमेक्स का लेके आया हूँ मैं, अच्छा बल्ब है ये भी, लुमेक्स कंपनी का। अगर आपकी रोशनी थोड़ी कम हो तो आप इसमें थोड़ा हैवी भी डाल सकते हैं। ये 55 वाट का बल्ब है, तो आप इसमें 80 वाट का बल्ब भी आता है और एक 100 वाट का भी बल्ब आता है, तो आप 80 वाट का डाल सकते हो। बल्ब इसका चेंज हो गया है, अब हेडलाइट ऑन करते हैं चाबी चालू करके। तो हेडलाइट हमारी ऑन हो गई है, चारों पॉइंट हमारे हेडलाइट के ऑन हो गए हैं, अपर डीपर वाले दोनों। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो एक रिले की प्रॉब्लम थी और एक बल्ब शार्ट था। अब आपको हेडलाइट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं और बल्ब कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो विस्टा में दो तरीके की हेडलाइट होती है, एक लाइट मैंने ऊपर रख रखी है, एक यहाँ से पूरी प्लेन रहती है, यहाँ से आप देख रहे होंगे, और एक यहाँ से इसका कान उठा हुआ आता है और अंदर से भी थोड़ा चेंजेस रहता है इसके अंदर। तो ये दोनों लाइट अलग अलग तरीके से सेट होती है, तो ये दोनों लाइट में इस तरीके का फ़र्क है और इंडिकेटर का भी फ़र्क है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको बल्ब चेंज करके बताता हूँ बल्ब कैसे चेंज करते हैं। ये दोनों लाइट्स में सेम ही होता है बल्ब चेंज। यहाँ पर ये जो लॉक है स्प्रिंग वाली, ये इसका होल्डर है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको निकालोगे, उसके बाद ये जो लॉक है इसकी स्प्रिंग वाली, ये वाली जो लॉक है ये यहाँ पर बैठी भी रहती है, इसको आप सिंपल अंदर के साइड दबाओगे और इस तरीके से निकालोगे तो ये लॉक इस तरीके से ऊपर आएगी और आप बल्ब यहाँ से निकाल के और दूसरा बल्ब आप चेंज कर सकते हो। ये जो लॉक है ये यहाँ पर बैठती है, यहाँ पर इसका वो भी है, बिठाने का खांचा भी है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर गेप में बैठता है ये बल्ब। तो ये बल्ब की पोजीशन सीधी आती है और सीधे ही बिठाना पड़ता है, अगर टेढ़ा आप बिठाओगे तो बल्ब की रोशनी जो है वो सही से नहीं आएगी।
अगर ये प्लेन वाली हेडलाइट है तो इसमें चार ऑप्शन रहते हैं सेटिंग करने के, एक ये वाला और एक इधर वाला जो है, ये दोनों अलग अलग तरीके से सेट होते हैं। ये दोनों फोकस है अंदर वाले जो सेट होते हैं ऊपर नीचे और राइट लेफ़्ट, इसमें दो सेटिंग रहती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये राइट वाले का बता रहा हूँ आपको। ये वाला जो है इससे आपकी लाइट ऊपर नीचे होगी, अगर आपकी लाइट नीचे है तो आप इसको ऊपर कर सकते हो, ऊपर हो तो नीचे कर सकते हो, और यहाँ से राइट लेफ्ट होगी, अगर लेफ़्ट में जा रही है हो या राइट में जा रही हो तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। तो ये जो पोजीशन है, ये बाहर वाला जो फोकस है, ये लो बीम वाला ये इसका है। अब तुमको हाई बीम वाला बताता हूँ। ये वाला जो फोकस है इसमें इसमें भी दो पॉइंट रहते हैं, इसमें यहाँ पर अंदर के साइड में रहते हैं दो पॉइंट। एक ये वाला जो है ये राइट लेफ्ट करने का है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, ये लंकी से होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ऊपर नीचे करने वाला है, लाइट ऊपर नीचे करने वाला और ये राइट और लेफ़्ट करने वाला। तो इसमें इस वाली लाइट में चार ये सेटिंग रहती है करने की, तो ये अंदर की साइड रहता है इसलिए दिखता नहीं है, तो ये दोनों पोजीशन रहती है इस वाली लाइट में। और अब दूसरी वाली लाइट आपको बताऊंगा, उसमें सिर्फ दो सेटिंग रहती है। इस वाली हेडलाइट में जो अंदर का फोकस है ये वाला अलग है और ये वाला भी अलग है, इसलिए इसकी चार सेटिंग रहती है, इसकी अलग और उसकी अलग। अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें सिर्फ दो सेटिंग रहती है, आपको ये दोनों अंदर के दिख रहे होंगे फोकस, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, अंदर से भी आप देखो ये अलग अलग नहीं है, अपर डीपर वाले दोनों सेम साथ में है, मतलब जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ दो सेटिंग रहती है। तो इसमें एक सेटिंग बताता हूँ आपको, तो एक यहाँ पर आती है इसकी, एक यहाँ पर, ये रही सेटिंग इसकी, ये ऊपर नीचे करने की है, लाइट हमारी अगर नीचे हो तो नीचे ऊपर आप इससे कर सकते हो, और एक सेटिंग ये रही जो यहाँ से आप डालोगे एलंकी तो यहाँ से सेट होगा, छः नंबर एलंकी लगती है, यहाँ से ये राइट लेफ़्ट होगा, उधर वाला जो है ये राइट लेफ़्ट करने वाला है, और जो इधर वाला मैंने बताया था वो ऊपर नीचे करने वाला है। सिर्फ इसमें दो सेटिंग रहती है, और प्लेन वाला जो कांच है इसमें चार सेटिंग रहती है। तो इस तरीके से लाइट सेट होती है, अगर आपको सेट करना हो तो काफ़ी आसान है, आसानी से सेट हो जाती है लाइट।